अब हम आपको बताने जा रहे हैं कल से कल तक की बड़ी खबरें। मैं ब्रजेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। नई दवा करेगी ओमिक्रॉन पर अटैक, लग चुकी है दो वैक्सीन से अलग होगी बूस्टर डोज। पीएम मोदी ने शनिवार को बताया कि देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, कुरकुरे नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 10 की मौत, कई घायल, मौके पर एसपी डीएम सहित कई आला अधिकारी मौजूद। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस, ओमिक्रॉन के मामले में भी हुई दोगुनी, अगले 7 दिनों में कुल 712 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। हथौड़ा गैस गटर वेल्डिंग मशीन खोज रही इत्र कारोबारी पीयूष जैन की काली कमाई जखीरा, 36 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी। ओडीआई सीरीज से पहले भारत को मिली गुड न्यूज, कप्तान रोहित शर्मा ने पास किया फिटनेस टेस्ट, रोहित शर्मा ने 19 जनवरी से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में करेंगे कप्तानी। फिल्म 83 को क्रिसमस की छुट्टी का भी नहीं मिला फायदा, फिल्म को अब तक महज 28 करोड़ का रहा कलेक्शन। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, टीकाकरण और तेज करें, यूपी में बीते 24 घंटे में 59 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। अखिलेश यादव बोले, भाजपा से किसी बदलाव की उम्मीद नहीं, सपा के झंडे से डरते हैं भाजपा। लखनऊ में तेंदुआ का हमला, 3 लोग घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। 25 दिसंबर की रात को सलमान खान को सांप ने काटा, 60 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे एडमिट। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से बोरों में अब तक 257 करोड़ रुपए कैश मिले, 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद। वाराणसी नगर निगम का नया कानून, गंगा नदी में फैलाने पर अब 1 लाख तक का लगेगा जुर्माना। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, यूपी में बनाएंगे अमेरिका जैसी सड़कें, 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। योगी सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा नाम मात्र टैबलेट और स्मार्टफोन देने से नहीं होगा बीजेपी का कोई फायदा। लखीमपुर में बेटे के बर्थडे पर मां की मौत, हर्ष फायरिंग के दौरान गलती से चली गोली। दिग्विजय सिंह बोले, जींस मोबाइल वाली लड़कियां नहीं करती हैं मोदी को पसंद, सिर्फ 50 साल की महिला होती हैं प्रभावित। शिवराज कैबिनेट ने राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव, तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की आशंकाओं के चलते मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। दिल्ली में फिर बंद होंगे स्कूल, पॉजिटिव रेट बढ़ते ही लागू होगा कोविड सुरक्षा का नया प्रोटोकॉल। तुगलकाबाद के जगदम्बा डिस्पेंसरी में कोरोना टेस्ट करवाने की बात सुन आग बबूला हुआ शख्स, डिस्पेंसरी स्टाफ पर चाकू से किया हमला।